खुजली क्या है? खुजली एक असहज और परेशान करने वाली सनसनी है जो खरोचने की इच्छा पैदा करती है। डॉक्टरी भाषा में इसे पुरेटिस कहा जाता है। खुजली वाली त्वचा अक्सर सूखी त्वचा के कारण होती है। उम्र के साथ त्वचा रूखी हो जाती है, इसलिए वृद्ध लोगों में यह आम समस्या है। खुजली के कारण त्वचा सामान्य लाल और खुरदरी दिखाई दे सकती है। बार बार खुजाने से त्वचा में खून निकल सकता है या संक्रमण हो सकता है। खुजली इचिंग इंसान के एक स्थान या पूरे शरीर में कहीं भी हो सकती है। इसे स्वयं की देखभाल के जरिए भी बेहतर आसानी से ठीक किया जा सकता है। हालांकि लंबे समय तक रहने वाली खुजली से राहत पाने मेडिकल दवाओं की आवश्यकता पड़ सकती है। खुजली के लक्षण के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि खुजली के लक्षण क्या है। लालिमा, खरोच के निशान, सूखी व फटी त्वचा, चमड़े जैसी या खुरदरे पैच, दाने, परतदार त्वचा, परतदार स्केल, त्वचा पर बम्प, छाले या त्वचा के धब्बे। खुजली के कारण क्या है? खुजली के कारण के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, फंगल संक्रमण, चिकन पॉक्स, त्वचा का कैंसर, पित्ती कीड़े का काटना, किडनी और लीवर रोगों जैसे कई आंतरिक स्थितियां, वायरल रेसेस, यौन संचारित रोग, बवासीर, डर्मेटाइटिस, हर्पेटिफॉर्मिस, क्लोथिंग एक्जिमा। खुजली के प्रकार के बारे में बात करूं तो आपको बता दें कि बिना दानों वाली खुजली, इस प्रकार की खुजली धूल मिट्टी पर दूषण, गर्म कपड़े, धूप में अधिक देर तक रहने या किसी अंदरूनी समस्या के कारण हो सकती है। दाने वाली खुजली, इस प्रकार की खुजली एक प्रकार के संक्रमण के कारण होती है। खुजली किसका संकेत हो सकती है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको बता दें कि खुजली या प्रिट्स त्वचा की एक प्रक्रिया है जिससे प्रभावित जगह पर स्क्रैचिंग करने का एक अनैच्छिक सेंसेशन होता है। यह किसी भी अंतर्निहित सिस्टमिक डिसऑर्डर का संकेत हो सकता है। डायबिटीज, लीवर डिजीज, मल्टीपल माइलोमा के अलावा शुष्क त्वचा, एक्जिमा, पोरायसिस जैसे त्वचा की स्थिति, नर्व डिसऑर्डर जैसे हर्पीज जोस्टर और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर जैसे एक्जिमा और डिप्रेशन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन, जलन और एलर्जिक रिएक्शन भी खुजली का कारण हो सकते हैं। खुजली का इलाज क्या है? खुजली के इलाज के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि शुष्क त्वचा के कारण और सूरज के संपर्क में आने से होने वाली खुजली व एटोपिक डर्मेटाइटिस और अन्य संक्रमण कुछ दवाओं के इस्तेमाल से आसानी से ठीक हो सकते हैं। बाजार में बहुत सारी खुजली रोधी क्रीम उपलब्ध हैं, जिनमें बेंजोकेन, डिपेनहाइड्रामाइन, बेनाड्रिल, प्रोमेक्सिन, प्रोनोलेन, केलाड्रिल, फिनोल मेंथॉल और कपूर शामिल है। खुजली का इलाज कैसे किया जाता है? खुजली के इलाज के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि बहुत से लोग खुजली के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदकर खुद से इलाज करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये दवाएं काम करती हैं। खुजली की गंभीर स्थिति में त्वचा विशेषज्ञ डर्मेटोलॉजिस्ट से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। कई बार मनोवैज्ञानिक कारण भी खुजली को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे एंजाइटी, चिंता और तनाव। खुद दवाओं के प्रति प्रक्रिया के कारण होने वाली खुजली को इन दवाओं के उपयोग को सीमित करके ठीक किया जा सकता है। लोग खुजली से छुटकारा पाने के लिए घरेलू उपचार का भी उपयोग करते हैं, जैसे प्रभावित क्षेत्र पर ठंडा पानी लगाना, ठंडे पानी से नहाना, त्वचा पर आइस पैक का उपयोग करना आदि शामिल है। आमतौर पर डॉक्टर खुजली को रोकने और उसका इलाज करने के लिए एंटीहिस्टामाइन लिखते हैं। इसमें क्लोर ट्रीमेटर, क्लोरोफेनरामाइन, एट्रेक्स, हाइड्रोक्सीजिन और बेनाड्रिल, डिपेनहाइड्रामाइन शामिल है। यह दवा लोगों में उनिदनापन पैदा करती है, इसलिए कुछ डोज के बाद सो जाने से रोगी को अपने शरीर में खरोचने से रोकने में मदद मिलेगी, जिससे खुजली के लक्षण कम होते हैं। हालांकि कुछ दूसरी पीढ़ी की एंटीहिस्टामाइन नींद का एहसास नहीं कराती हैं। इन दवाओं में सीडेटिव प्रभाव कम होता है, दूसरी पीढ़ी के एंटीहिस्टामाइन की तरह प्रभावित करती हैं। आमतौर पर डॉक्टर इन दवाओं को प्रिस्क्राइब करते हैं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इन दवाओं का सेवन करना चाहिए। खुजली के उपचार के लिए कौन योग्य है? तीव्र और अनियंत्रित खुजली से पीड़ित लोग एंटीहिस्टामाइन का उपयोग कर सकते हैं। खांसी और जुकाम के लक्षण होने पर भी एंटीहिस्टामाइन का सेवन करना फायदेमंद होता है। चूंकि एंटीहिस्टामाइन में एलर्जी विरोधी लक्षण होते हैं, इसलिए जिन लोगों को धूल के कण, पालतू जानवरों की रूसी, रेंगवीड और पराग से एलर्जी है, वे इस दवा का सेवन कर सकते हैं। खुजली के उपचार के लिए कौन योग्य नहीं है? यदि आप अन्य दवाओं पर हैं, तो एंटीहिस्टामाइन इन दवाओं के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, इसलिए इन्हें खरीदने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। यदि आपको ग्लूकोमा, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, थायराइड की समस्या, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर और बढ़े हुए प्रोस्टेट की समस्या है, तो एंटीहिस्टामाइन का सेवन आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। नर्सिंग और गर्भवती महिलाओं को भी इस दवा से बचना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।